तो मैं कुछ बेनतियां करनियां ने मैनू बचित्र नाटक क्योंकि मैं इन वीर जे आलोचना करते ने ना वैसे मैं इन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ क्योंकि मैं भी दसम ग्रंथ न बहुत पढ़िया नहीं सी पर इन्हों सवालों का जवाब देने वास्ते मैं कुछ ना कुछ देखना पिया है थोड़ा बहुत यह पता लग्या कि इहदे हिच हीरे मोती बहुत ने मेरे तो थोड़े बहुत जिहड़े ने वह हाथ में आए ने किते किते। हर चीज कीमती है हर चीज सोचने वाली है। गुरु ग्रंथ साहब गुर प्रसाद है इहदे तब प्रसाद है कोई भेद है ना तब प्रसाद तो है गुर प्रसाद गुरु ते सिख दा रिलेशन है गुरु जोड़ने वाला है। तब प्रसाद कदों आया जो खालसा गुरु रूप हो गया फिर तब प्रसाद प्रवेश करता है। खालसे नू गुरु ने पहला गुरु ही अमृत देता सी ना फिर खालसे ने कहता हूं मैनू भी अमृतधारी कर दे गुरु ते सिख एक हो गए। जो गुरु ते सिख एक हो गया तो सिख वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह बन गया। हुण सिख तेरी कृपा ओदी कृपा रा नाम परमेश्वर का वाहगुरु कर दिता इको होंद रह गई किसे दुविधा नहीं रह गई इको होंद हो गई। इस करके सिख सीधा ही कहन लग गया तेरी कृपा गुरु की कृपा नाल ज्ञान प्राप्त किया ते जदो परिपूर्ण मनुख दसम ग्रंथ की बाणी ने उसनू बना दिता संत सिपाही वो वाहगुरु रूप हो के फिर तब प्रसाद तेरी कृपा। ये भेद है इन्होंने चीजा समझने की लोड़ है।